चलाया था। अगर वैसे ही चलाएंगे तो इसमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और अगर इसमें प्रशासन ने हमारे अंदर कुछ फूट डाल करके प्रयास किया के वो बात पहुंचे, बात मान लो, कुछ भी बात मानने की नहीं है। एक ही बात है कि गांव के अंदर दूसरे लोगों ने, बाहर के लोगों ने जिस गांव में आकर के भूमि पर खोदकर भूमि पर कब्जा किया है, वो तत्काल प्रशासन हटाए, चाहे राज्य सरकार इसमें दखल दे, चाहे कोई भी करे, लेकिन वो अतिक्रमण तत्काल हटना चाहिए। यही बात करते उठे हैं। मेरा सभी से निवेदन एक ही है कि हम सफल जब भी होंगे जब अपने आप पे संयम रखेंगे, किसी भी स्थिति के अंदर इस आंदोलन को फेल करने की कोई साजिश रची जाएगी। आपको कभी किसी के खिलाफ उठाया जाएगा, कभी किसी के खिलाफ। एक ही बात रखिए, हमारी एक ही बात है, अतिक्रमण हटे तब हम आपकी जमीन है। धन्यवाद। आप मालिक हो और आप अपना कब्जा ले रहे हैं। आपके आपके यहाँ पे कोई आगे क्या करेगा इस दीवार के अंदर, फिर आप क्या करोगे? इसी तरह से है, ये तो आपकी जमीन है और आपको लेना है कब्जा। हम ये तो कहना है और तो हमारी कोई मांग ही नहीं है। और आप जो है इसका मतलब ये मुख्यमंत्री जी का शहर है और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है। लोग धरने में बैठे हैं, कोई यहाँ से महिलाएं बैठी है, उनको कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई, पानी की व्यवस्था नहीं की गई। ये क्या मजाक है? तो सरकार कोई अंधी और बहरी हो गई है क्या? उनको यहाँ के अधिकारी को सूचना नहीं दे रहे हैं क्या? प्रशासन सीएमओ क्या कर रहा है, सीएमआर क्या कर रहा है? तो ये बहुत बहुत दुखद बात है जो शहर के अंदर ऐसा हो रहा है। और ये इतनी भीड़ हो रही है, आप कहीं जा रहे हैं कि उनके लिए शौचालय खुलवाए हैं? मैंने उनको कार में तो शर्म नहीं आती, बार बार कह रहे हैं कि रेलवे को वहाँ सामने चले जाए, पेशा कर लेंगे। क्यों यहाँ कैसे नहीं जाएंगे, क्या मतलब हुआ इसका? और व्यवस्था की है वो, और हमने कहा हमारी मांग यही है। और ये लोग ये तो यही रहे ना कि आपकी प्रॉपर्टी है और आप उसके ऊपर कब्जा, अपना कब्जा ले हो ना, आप मालिकाना हक ले हो, आपको हाईकोर्ट ने लिखा है, ये तो सारे लोग कह रहे हैं। और गोचर की भूमि में दूसरे गांव के लोग आकर कब्जा कर रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? उस गांव का तो कोई आदमी है ही नहीं उसके अंदर जिन्होंने कब्जा किया। आप ही की सरकार है, कांग्रेस की अरे यही तो बात, यही तो हम कह रहे हैं ना कि ये प्रशासन किस तरह का है, ये इनका ये अंधे बहरे हो गए हैं क्या? ये कोई बात बता नहीं रहे हैं, सीएम को पता ही नहीं है क्या अपने शहर के अंदर क्या हो रहा है? तो राजस्थान का क्या जान रखेंगे, खुद के शहर का ही पता नहीं होगा। देखिए प्रजातंत्र में विरोध का तरीका होता है, भूख हड़ताल, प्रधान जी भूख हड़ताल कर रहे हैं, अनुश्री पूनिया जी कल भी भूख हड़ताल, कल से भूख हड़ताल पे, और ये कह के आया हूँ, मैं कह के आया हूँ प्रधान जी भूख हड़ताल पे है, कुछ भी हुआ तो आपकी जिम्मेदारी। अब आगे क्या रहेगा, नहीं हम तो कह के आ गए ना, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या हम कर रहे हैं? एबीपी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र चौधरी जी थे जिन्होंने बताया कि भाई प्रशासन से बात हुई, आगे की कार्रवाई की तो जारी है, लेकिन देख रहे हैं कब तक ये कार्रवाई करता है। जोधपुर से करणपुरी एबीपी न्यूज।